तो इस वक्त फजल अयूबी साहब जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट में जमात मरकज और मौलाना साद की जानिब से ये पैरवी कर रहे हैं, पूरे मामले को देख रहे हैं, आखिर ये जो कोरोना को तबलीगी जमात से और मरकज से जोड़कर देखा जा रहा है, मौलाना साद की गलती बताई जा रही है, सच्चाई क्या है, इस बात को खुद बयान करेंगे फजल अयूबी साहब जो एडवोकेट हैं, जो पूरी पैरवी कर रहे हैं, जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। सर पहले, सबसे पहले आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार ये बातें हो रही हैं कि जो कोरोना हिंदुस्तान में फैला इतनी तेजी के साथ, लगातार ये बातें हो रही हैं जो कोरोना हिंदुस्तान में इतनी तेजी के साथ फैला, उसको फैलाने में जो सबसे अहम रोल रहा वो तबलीगी जमात का रहा, और उसको लेकर तमाम तरह की खबरें भी आई मीडिया पर, सोशल मीडिया पर हुकूमत ने तमाम तरह की कार्रवाई की। अब इन तमाम मसलों के बीच, इन तमाम बातों के बीच, अब एक बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त मौलाना साद साहब कहाँ हैं, क्योंकि उनकी जानिब से अभी तक भी कोई बयान नहीं आया लंबे वक्त से। शुरू में उन्होंने बयान दिया था लेकिन उसके बाद कोई अभी तक बयान नहीं आया। चूंकि आप उनके पूरे मसले को देख रहे हैं, पूरे मामले को देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि मौलाना साद साहब इस वक्त हैं कहाँ? फिर देखिए, मौलाना साद साहब बिल्कुल यही मौजूद हैं दिल्ली के अंदर, और अथॉरिटीज को पता है कि वो कहाँ है, किस हाल में है। जी, वो खुद सेल्फ क्वारंटीन अपने आप को किए हुए थे और यही दिल्ली के अंदर, और उसके बावजूद भी जो भी सवालात तहरीरी तौर के ऊपर जो पुलिस ने पूछे उनसे, उसके सब जवाबात वक्तन फवक्तन जैसे मांगे गए वैसे वैसे उनको फराहम किए गए। हाँ, क्योंकि ये बात भी जी 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 एक बात ये बहुत अजीब और गरीब है कि मौलाना साद साहब गायब है। ये एक तो ये बात सोचता भी हूँ, अपने आप से भी पूछता हूँ कि क्या पहले मौलाना साद कभी मीडिया में आते थे, या उनको पहले कभी किसी ने कहीं किसी प्रोग्राम में या कहीं कहीं देखा है, या वो तो हर वक्त अपने जो काम है, जिस जस्तजू में है, उसमें लगे रहते हैं। बिल्कुल। अब इस वजह से अब वो ये कहना कि अब वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे, अरे तो भाई पहले कब वो मीडिया के सामने आते? बात सही है सर आपकी, बिल्कुल बात सही है, लेकिन सवाल ये भी उठता है ना कि पहले कभी इस तरीके से तबलीगी जमात या मरकज या मौलाना साद साहब पर इस तरह के ना इल्जाम लगे, ना कभी कोई ऐसी बात हुई। अब जबकि इस तरह के हालात पैदा हुए तो सब लोग ये कह रहे हैं, मुस्लिम तबका भी ये कह रहा है कि आखिरकार मौलाना साद साहब क्यों नहीं कुछ बोल रहे? सेल्फ क्वारंटीन में वो थे, अब बाहर आ गए हैं, अब तो कम से कम एक ऑडियो या एक वीडियो बयान जो है वो जारी कर सकते हैं, मीडिया के सामने ना आए, खुद रिकॉर्ड कर लें। तकनीक जो है बहुत ज्यादा है, आपके हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, उसके अंदर रिकॉर्ड करें और भेज दें, उसमें क्या बुराई है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। असल में अगर हम लोग इसको खुद से अगर एक नजर से देखें, या शायद ये बात लोगों के सामने हम लोग पहुंचा नहीं पाए ठीक से, ये गलती अलबत्ता जरूर होगी हमारी। वरना जिस वक्त FIR हुई उसके बाद प्रेस रिलीज गई जी मरकज की तरफ से पहली बार, तो वो बात कहना कि वो उससे नहीं, तो भाई उसको एडजस्ट किया गया, प्रेस रिलीज गई, एक बहुत तफसीली स्टेप बाय स्टेप उसने सब बताया कि हमने क्या क्या इकदाम लिए, कैसे कैसे कोऑपरेट किया। उसके बाद फिर एक उसके तीन दिन के बाद एक फिर तीन पेज की प्रेस रिलीज फर्दर गई, जिसमें हजरत ने ये बात कही कि जितने भी लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये बात आ रही थी कि वो कॉपरेट नहीं कर रहे, और उसने बहुत इसरार किया इस बात का, और हजरत ने इसकी वजाहत की कि भाई बेहद कॉपरेट कीजिए, जो हमारी अथॉरिटीज हैं, जो मेडिकल टीम्स हैं, जो काम कर रही हैं, खुद सामने जा करके उनको बताइए, मिलिए, और अपनी ट्रेवल हिस्ट्रीज उनको डिस्क्लोज कीजिए, फिर वो जिस हाल में आपको जिस तरह से जैसा चाहे वैसा उनके साथ आप पूरा ताउन फरमाएं। ये बात कही गई, ये लिखित, ये दोनों लिखित है जो रिकॉर्ड पे है, और उसको मीडिया ने भी कुछ 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 हलकों में दिखाया। तीसरा, उन्होंने फिर खुद से ऑडियो रिकॉर्ड किया है, ऑडियो ये गया, और उसमें उसने तमाम वो दो मिनट ढाई मिनट का ऑडियो है, वो भी आप सुना सकते हैं, मैं आपके शेयर कर सकता हूँ। तो शायद गलती इस बात की जरूर हो सकती है हमारी कि हम इसको उतनी दूर तक हर एक तक पहुंचा नहीं पाए, लेकिन ये कहना कि हम सामने नहीं आए, हमने अपनी बात नहीं रखी, ये बात मुनासिब नहीं है। हमने क्योंकि ये सवाल बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन सवाल ये सर इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हुकूमतों के ऐलान के बाद, हुकूमतों की अपील के बाद, इंतजामिया पुलिस प्रशासन की लगातार अपील के बाद भी बहुत सारे लोग सामने नहीं आ रहे हैं, अपना जो उनको कोरोना से रिलेटेड टेस्ट कराना चाहिए वो नहीं करा रहे हैं, जो टेस्ट वगैरह होने चाहिए वो नहीं करा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि अगर मौलाना साद सामने आकर के खुद अपील कर देते,
तमाम जमातियों से, कहते कि भाई आप आइए, मैं खुद सेल्फ क्वारंटीन में रहा हूँ, आप भी जो है वो सेल्फ क्वारंटीन में रहें या हुकूमतों को इत्तला दें। तो ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं पैदा हुआ, ये गलती तो हुई है सर। एक इसमें दो बातें मैं जी कर दूं। पहली तो ये कि ये जो जो दो प्रेस रिलीज गई, फिर उसके बाद फिर एक ऑडियो गया, उसके बाद फिर एक तीनों जबानों में, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू में हजरत का एक खत, एक सफे का, वो सबको गया। उसमें फिर इस बात का इसरार और वजाहत की गई कि भाई इसमें कोऑपरेट करें। एक दूसरी बात ये, तो यानी कि ये बात तो हुई कि उन्होंने फिर एक खुद से जाती खत लिखा अपने सब साथियों को। दूसरी बात एक और है जो हम लोग मिस कर जाते हैं कि वो ये कि जब मीडिया किसी चीज को कहता है तो एक हम ये समझते हैं कि हाँ ये सच होगा, जब तक कि कोई ये साबित करे कि नहीं ये सच नहीं है। तो उसमें बहुत बड़ा एक तबका कुछ ऐसा मीडिया का हुआ जिसने उस बातों को गलत चलाया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने थूका और वो बर्तन चाटे और वो फलों को चाटने, वो सब पुरानी वीडियो सामने आई, वो सब वो आई वो फेक भी साबित हो गई कि वो सब गलत थी। अच्छा, वो जिन लोगों ने देखा उनको ये इनके इंप्रेशन हुआ कि शायद ऐसा हुआ, लेकिन उन लोगों ने शायद ये नहीं देखा कि बाद में अथॉरिटीज ने खुद ही उस बातों का खंडन किया। बिल्कुल सही। तो अब वो यानी कि जब ये सवाल उठा और फिर इसका जब असल जवाब आया तो दोनों में शायद मिसमैच हो गया कि आदमी ने एक सवाल तो बिल्कुल था लेकिन जवाब शायद ना दिया। बिल्कुल, एक सवाल यहाँ पर ये बनता है असल में और सब लोगों के जहन में ये बात है, वो बार बार ये कह रहे हैं, हमारे भी बहुत सारे लोगों से बात होती है, वो यही कहते हैं कि भाई अगर सब कुछ ठीक है, बेकसूर है, कोई गलती नहीं की, तो मौलाना साहब को सामने आ जाना चाहिए। आपने उसके ऊपर अपनी बात रखी और उसका जवाब दिया आपने कि भाई वो वजूहात हैं जिसकी वजह से वो पहले बयान उन्होंने जारी कर दिए लेकिन अब वो नहीं आ रहे हैं। पता नहीं आप लोग जो है उनको सलाह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, मशवरे उनको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं कि सामने आना चाहिए। लेकिन लोग ये भी समझना चाहते हैं इस बीच कि असल में शुरुआत जो शुरुआती दिन थे उनमें हुआ क्या, क्या मरकजी हुकूमत की तरफ से, क्या सूबाई हुकूमत की तरफ से इनको नोटिस नहीं भेजे गए थे स्टार्टिंग में, या मतलब एडवाइजरी जारी नहीं की गई थी कि भाई कितने लोग इकट्ठा होने हैं, और क्या मरकज को ये मालूम नहीं था कि 22 मार्च को पूरे हिंदुस्तान में जो है वो जनता कर्फ्यू था, और 22 मार्च की रात को ही ऐलान कर दिया था दिल्ली हुकूमत ने कि 23 की मॉर्निंग से जो है वो लॉकडाउन दिल्ली में हो जाएगा। तो क्या उस पूरे माहौल को समझने में गलती हुई मरकज के लोगों से, या वो कागज आप तक नहीं पहुंचा, मरकज तक नहीं पहुंचा, मतलब ये पूरा मामला है क्या असल में, इसको समझना चाहते हैं। जी जी जी, देखिए 24 तारीख की शाम से नेशनल लॉकडाउन हुआ है जी। 25 तारीख का खत जो SHO हजरत निजामुद्दीन को लिखा गया है वो रिकॉर्ड पे है, रिसीव्ड है। बिल्कुल, वो तो वीडियोस भी आई हैं उसकी जी। और वो 25 तारीख का खत अगर आप इजाजत दें तो दो तीन पैराग्राफ का मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। उसमें ये लिखा गया है कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू कम्प्लाई योर डायरेक्शन टू शट डाउन द मरकज ऑन 23rd। वी हैव ऑलरेडी वैकेटेड मोर देन 1500 पीपल। We still have more than 1,000 people at different states in the Merkez. As per your direction, we contacted respected SDM for vehicle pass so that we can send the remaining people to the respective place. SDM office has given time for meeting at 11 on 25th. You are therefore requested to kindly approach the SDM for early action. We are ready to comply with all your directions. We are thankful for your cooperation in the past and ready to work under your guidance and instructions. We are giving this letter to 25th. Yes. सर, मैं बस यहाँ मैं आपको रोकूंगा, बस ठीक है आपकी बात। क्या 25 तारीख बहुत देर नहीं हो गई थी? आपको नहीं लगता कि ये मतलब जो है 18 मार्च को, 19 मार्च को, 20, 21, 22 तक कदम उठा लेना चाहिए था? देखिए, जब आप नेशनल लॉकडाउन जिस वक्त से कर रहे हैं जी, दिल्ली में हो गया था ना सर जी, उसमें जो जो जनता कर्फ्यू था वो 20 का था जी, 21st को। आप ये देखिए कि जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं देखिए, उनको किसी ने, मरकज ने उनको खुद नहीं बुलाया मार्च में, वो ऑलरेडी पहुंचे हुए मौजूद हैं। 21 तारीख को ट्रेनें बंद हो जाती हैं शाम में, 22 को जनता कर्फ्यू हो जाता है इतवार के रोज, 23 को हम ये बात कह रहे हैं इस खत के अंदर कि 23 तारीख को मंडे को और ट्यूसडे को हमने 1500 लोगों को जहां जहां के थे, जो दिल्ली के हैं वो तो वहां होंगे नहीं नेचुरली, लेकिन दिल्ली के जो बाहर के हैं उनको हमने बाहर और 1500 लोगों को वहां से हटा दिया, खुद से इवैक्यूएट किया। ये हम रिकॉर्ड के ऊपर है 23-24 में। 25 तारीख को ये खत हम उनको पेश कर रहे हैं कि जो बाकी लोग रह गए हैं उनके लिए हमने 17 गाड़ियां
अरेंज की है, उनके ड्राइवर के डीएल नंबर, उनके नाम और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पेश कर रहे हैं। आप अगर खुद से इनको ना शिफ्ट कर सके तो आप हमें इन 17 गाड़ियों को परमिशन दे दीजिए, हम इनको शिफ्ट कर देंगे। मेरा मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये सवाल मैंने कल किन्हीं और साहब से भी किया था कि जिस तरीके से हमने देखा उत्तर प्रदेश में कई जगह जो है कुछ लोग फंसे हुए थे, वैष्णो देवी फंसे हुए थे, दूसरी जगहों पर फंसे हुए थे, तो हुकूमतों ने अपने लेवल पर उन लोगों को निकालने की कोशिश की, बसेस भेजी। अभी देखा हमने अभी 2 दिन पहले ही कोटा में बसेस भेजी गई यूपी की तरफ से, यूपी हुकूमत की तरफ से। तो क्या मरकज को हुकूमतों ने, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो दिल्ली की, चाहे वो मरकज की हुकूमत हो, दोनों हुकूमत ने या फिर इंतजामिया ने बहुत हल्के में लिया, सोचा कि चलिए हो जाएगा, चला जाएगा, हो जाएगा मामला ऐसे ही? मतलब ये सवाल का जवाब तो वो दोनों हुकूमतें देंगी, लेकिन मैं एज अ फरीक, एक फरियादी ये जरूर कह रहा हूँ कि मैंने ये फरियाद लगा दी थी। जी जी, उस फरियादी की फरियाद पे उन्होंने क्या किया, ये वो सवाल का जवाब देंगे और वो सबके सामने भी है। हम तो यहाँ तक इसके इकदाम कर रहे थे कि हम अपने रिसोर्सेज से, वो लिस्ट है 17 गाड़ियों की जी, जो 25 तारीख को दी गई कि रजिस्ट्रेशन नंबर और डीएल के साथ ड्राइवर, कि अगर आप इजाजत दे दें तो ये इस तरह से हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर 25, 26, 27, 28, 29 हद तक 31 को आके उन्होंने कहा कि साहब ये तो आपने बहुत, जबकि एसडीएम साहब रोज आ रहे थे, एफआईआर में ये बात लिखी है 26 से ऑनवर्ड एसडीएम साहब हमारे यहाँ मरकज रोज आ रहे थे। किसी ने ये बात हमसे नहीं कही है कि हमने कोऑपरेट नहीं किया। अरे भाई, जिस तरह का आप कोऑपरेशन चाह रहे थे हम दे रहे थे, जिस तरह का हम आपसे कोऑपरेशन या आपसे सूझबूझ या आपसे चाहते थे कि आप वो इकदाम लें, वो आपने लिए नहीं लिए, ये आप अपने आप से पूछें। बिल्कुल। और एक सवाल सर यहाँ पर, बिल्कुल सही है, बहुत तमाम बातें हैं जिनके ऊपर जो है आप अपनी बात रख रहे हैं, और अब हम अखबारों के जरिए और जो है वो टेलीविजन के जरिए खबरें हमारे सामने आ रही हैं ऐसी कि पुलिस ने बहुत सारे केसेस में जो है वो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, तो क्या आपके पास वो खबर है, या मतलब क्या रिपोर्ट आपके पास, क्या नोटिस पहुंचे, कितने नोटिस पहुंचे पुलिस की तरफ से, और किन किन धाराओं के तहत जो है वो अब वो मामला जो है या मुकदमे दर्ज किए गए हैं? जी, जो एक 31 मार्च को एक एफआईआर दर्ज की गई है, हालांकि उसकी एफआईआर की कॉपी हम लोग को फराहम नहीं की गई है। अभी भी जो हम लोग ने अभी लेटेस्ट एक खत लिखा है 2 दिन पहले, वो भी बाई चांस कैसे मीडिया में आ गया, उसमें भी हम लोग ने कहा कि भाई आप एफआईआर की कॉपी तो हमें अता फरमाएं, क्योंकि जो सोशल मीडिया के ऊपर हर चीज मिल जा रही है, सोशल मीडिया पे एफआईआर है, और सोशल मीडिया के ऊपर वो जो सवालात हमसे पूछे गए 91 सीआरपीसी में वो भी अवेलेबल हो गए। शायद ये अभी करम है कि अभी हमारे जो जवाबात गए वो सोशल मीडिया पे नहीं है। तो खैर, तो जो इन्होंने जो एफआईआर की है उसके अंदर जो सेक्शंस लगाए हैं वो एपिडेमिक एक्ट के हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के हैं और कुछ आईपीसी के हैं, वो इस नोयत के हैं कि हमने लापरवाही की जानबूझ। अब बुनियादी बात यह है कि क्या ये जानबूझ के और लापरवाही हो सकती है, क्योंकि जिस चीज का अंदाजा, जिस चीज का मैग्नीट्यूड और जिस चीज का इम्प्लीकेशंस उस वक्त तक हुकूमतों, सरकारों को और बड़े बड़े इदारों को नहीं पता था जो इल्मी और मेडिकल साइंस से मुतालिक हैं, तो उसके सिलसिले से हमें उतना ही पता होगा जितना एक आम आदमी को पता होगा। बिल्कुल। तो जब एक्सपर्ट बॉडीज को उसका अंदाजा नहीं था कि क्या परवाह करनी है, क्या केयर करनी है, क्या लापर जी, वो जब तो आप उस वक्त मेरे ऊपर लापरवाही का इल्जाम कैसे लगेगा। खैर, ये बात कोर्ट की है और डिबेट होगी उसकी, जाहिर है। ईडी की तरफ से भी नोटिस मिले हैं सुनने में आ रहा है, और मनी लॉन्ड्रिंग के जो है वो केस दर्ज हो चुके हैं मरकज के खिलाफ, मौलाना साहब के खिलाफ। अब वो ये बात, ये भी मीडिया से 3-4 दिन पहले ये बात आने शुरू हो गई कि 304 लगाई गई आईपीसी की, आप खुदा जाने 304 कैसे किस कानून के एतबार से लग सकती है इसके अंदर, ये तो हिंदुस्तान भर के कानून के जानने वाले भी कोई भी जवाब दे सकता है कि 304 इसमें कैसे बन सकती है। मैं उनका वकील हूँ, मैं तो कहूंगा कि साहब नहीं बन सकती, लेकिन आप किसी और से भी पूछेगा तो वो आपको सही जवाब दे देगा। ठीक, बिल्कुल। फिर मनी लॉन्ड्रिंग का आप सवाल आता है, मनी लॉन्ड्रिंग भी, अच्छा ये बात भी मीडिया के जरिए से आई जी, वो 304 है, फिर मीडिया के जरिए से तो आपके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, मतलब मरकज के साथ अभी भी एजेंसीज का नहीं, मरकज के साथ जो भी जो 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 कम्युनिकेशन है वो उस केस के सिलसिले से है जो रजिस्टर्ड है, जिसमें नोटिस आई दो, जिसका जवाब दिया गया, उसके बाद फिर
फिर उन्होंने कुछ जो जहाँ जहाँ गए वो सब पता था किया, वो सब बातें हुई। लेकिन जो ये मनी लॉन्ड्रिंग है इसका या 304 का हम लोग के पास अभी कोई डॉक्यूमेंट या कम्युनिकेशन नहीं आया है। ये सवाल भी उठ रहा है लगातार लोगों के जहन में कि मरकज जो है वो कब तक फंक्शनल हो जाएगा, अभी उसकी पोजीशन क्या है, क्या लोगों को मतलब ऐसा लग रहा है, अब ऐसे सवाल जो है वो जहनों में लोगों के तैर रहे हैं कि जमात जो है वो अपना काम करेगी कि नहीं करेगी, मरकज जो है वो खुलेगा कि नहीं खुलेगा, अभी मरकज की क्या पोजीशन है? मरकज तो देखिए उन्होंने ये तो बात है कि उसको सब लोगों को ले जाके अलग अलग जगह क्वारंटीन किया और सब शिफ्ट करने के बाद उसमें नमाज वहाँ के ऊपर पांचों वक्त की हो रही है, और उसमें जो चार पांच साथी हैं वो जाते हैं, वो खुला हुआ है, जाते हैं नमाज पढ़ते हैं वो आ जाते हैं। और मेरे ख्याल से जो लॉकडाउन का पीरियड अभी तो हिंदुस्तान भर की तमाम सारी मस्जिद और हर जगह ही एक तरह की वो रोक है, और उसके बाद मेरे ख्याल से जब हालात ठीक होंगे, क्योंकि ये भी खबरें आई थी कि एमपीडी ने कुछ नोटिस भेजे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन भी हुआ है उसको तोड़ने की बात है, तो ऐसा नहीं मिला अभी कोई नोटिस नहीं, अभी मुकदमा जो है वो असल में मीडिया में चल रहा है और मीडिया ही में हमें सजा मिल रही है। अच्छा, मीडिया में ही मुकदमा है, मीडिया में ही बहस है और वहीं से फैसले सुना जा रहे हैं। अच्छा, मीडिया को लेकर के एक बड़ी अहम बात ये हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट में जमीयत गई थी, जमीयत उलेमाए हिंद, और उनके वकील हालांकि दूसरे हैं, लेकिन फर्जी खबरें जो फैलाई गई हैं तबलीग के बारे में या मरकज के बारे में या मौलाना साहब के बारे में, तो उस याचिका जो भी थी उनकी या जो मुकदमा उन्होंने दर्ज किया है, जो गुहार लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी क्या पोजीशन है, कुछ आइडिया उसके बारे में, उसका क्या असर हो सकता है? बहुत जी, उन्होंने मौलाना आशिफ बंदी साहब की तरफ से ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया, और उसको जो पूरे मुल्क में कहा जाए कि एक तरह के जो सेंटिमेंट्स थे सब लोगों के, जो कानून पसंद लोग हैं उन सब का ये एक सेंटिमेंट था कि ये एक चीज गलत, मतलब एक वबा जो है जो पूरे दुनिया में है वो ही है, और उसके अलावा एक और वबा यहाँ हमारे मुल्क में एक अलग भी है, तो वो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने उसको उसके ऊपर गौर कर रही है, और उसने कुछ और उस फरीक बनाने के लिए कहा और कुछ और चीजें, लेकिन वो तर्जुमा तो ऑफकोर्स है पूरे मुल्क के सबके सेंटिमेंट्स का कि भाई ये जो एक तरह का वेव है, ये तो इस वक्त जो हालात हैं ये तो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, उस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में कुछ लोग लेस अनफॉर्चुनेट है, कुछ मोर अनफॉर्चुनेट है, लेकिन एवरीबडी इज अनफॉर्चुनेट इन दिस सिचुएशन। तो अब कोई किसी के ऊपर कैसे इल्जाम कर सकता है कि साहब ये जो है ये जिम्मेदार है और ये जिम्मेदार नहीं है? अरे जिसको आप जिम्मेदार कह रहे हैं वो खुद एक पेशेंट है, एक मरीज है, उसके घर वाले सबसे पहले उससे असरअंदोज होंगे, उसके दोस्त अहबाब असरअंदोज होंगे, फिर कोई असर, तो कोई क्यों किसी के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगा रहा है, ये समझ से बाहर बात है। अच्छा, एक चीज और है सर यहाँ पे कि अभी तक लोग ये जानना चाहते हैं कि कितने जमात से जुड़े हुए लोगों को क्वारंटीन किया जा चुका है या किया जा रहा है, और क्या कुछ ऐसी खबरें हैं आपके पास कि जमात से जुड़े हुए पर्टिकुलर जमात के लोग जो है उनको कितने लोगों को कोरोना हुआ, कुछ इस तरह की खबरें आपके पास है या कोई ऐसा आंकड़ा है आपके पास? जी, एक मतलब ये खबरें तो सब जगह आ रही हैं, मतलब सारी अथॉरिटीज भी शेयर कर रही हैं, फिर बाद में शायद कुछ इंटरनेशनल अथॉरिटीज और नेशनल अथॉरिटीज ने इस बात को कहा और फिर वो डेटा जो है वो थोड़ा सा न्यूट्रल किया गया, अदरवाइज उसमें खास नाम लेकर के कहा जा रहा था, उसमें ये बात तो कोई बता ही नहीं रहा है कि भाई इतने लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, आप ये तो बताइए कितने लोग निगेटिव भी तो हो रहे हैं, ये बताइए। बिल्कुल ठीक, आप मान लीजिए आपने फकत एक दिल्ली में, मान लीजिए मिसाल के तौर पर अगर हिंदुस्तान में 100 स्कूल है, आपने सिर्फ एक स्कूल को उठाया, उसके 100% बच्चों का टेस्ट कर दिया और उसको आपने कहा कि भाई इसमें से जो है वो 10-20% जो है वो फेल हो गए हैं, बाकी 70-80% पास है। आपने सिर्फ एक ही स्कूल को उठाया, सिर्फ उसके जो बच्चे फेल हुए हैं वही बता रहे हैं आप, आप बाकी हिंदुस्तान भर के सारे स्कूल को भी तो आप चेक कीजिए, मतलब आंकड़ों के साथ छेड़खानी की जा रही है, आंकड़ों के साथ भी जो है वो छेड़खानी की जा रही है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अगर सबको 100% टेस्ट कीजिएगा तो जो फिगर शायद रिफ्लेक्ट हो रही है वही फिगर किसी के साथ भी रिफ्लेक्ट होगी। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये जो पूरा मसला है, ये जो पूरा मुद्दा है या ये जो विवाद है, ये कब तक खत्म हो जाएगा? मरकज से जुड़ा हुआ, मौलाना साहब से जुड़ा हुआ और जमातियों से जुड़ा हुआ, और क्या हम ये उम्मीद करें कि जल्द ही मौलाना साहब का कोई बयान आएगा सब लोगों के सामने? जी देखिए, जैसे ही ये हालात इतने इस तरह के हुए और 25 तारीख के बाद से जब पूरे मुल्क में लॉकडाउन हुआ, उसके बाद
सिलसिलेवार तौर के ऊपर दो प्रेस रिलीजेस, एक ऑडियो और एक खत ऑलरेडी मौलाना साद का आ चुका है, जिसमें चारों में ये बात कही गई है अलग अलग वक्त से कि सब लोग कोऑपरेट करें, पूरा ध्यान और फोकस इस वक्त जो इतनी बड़ी जंग चल रही है इस वायरस की पूरी आलम इंसानियत के खिलाफ, उसमें हर मुमकिन ताउन करें हुकूमत का, हर अथॉरिटी का, ताकि हम इस जंग में जीत सकें। ये जंग कॉमन जंग है, हर एक हर किसी की, हर हिंदुस्तानी की, हर शहरी की है बेशक, और उसमें हमारा मुकदमा और हर चीजें वो बात ही है, छोटी है, वो बाद में देखी जाएंगी, लेकिन अभी हम सब एक साथ एक सुई के साथ इसकी तरफ फोकस करके इस बला से निकल सके, टल सके ये और आगे बढ़ सके, और जो कानून के एतबार से जो कुछ भी स्टेप्स लिए जाएंगे उसका स्टेप वाइज जो कानून में जवाब देने का इख्तियारात है वो किए जाएंगे, वो सारे के सारे इकदाम, और हमें उम्मीद है कि सच का सच और झूठ का झूठ सब सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया फुज़ैल अय्यूबी साहब, मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हैं आम लोगों के जहनों में, बहुत सारे सवाल हैं आम लोगों के जहनों में, और ज्यादातर सवालों के जवाब आपकी तरफ से मिल गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत बहुत।